नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। बिग ब्रेकिंग न्यूज। जिला पंचायत परिषद के सदस्य व कर्मचारी आमने सामने धरना पर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जिला पंचायत परिषद में विकास कार्यों के टेंडर को लेकर सदस्यों का चल रहा धरना दूसरे दिन उग्र हो गया। सदस्यों ने बुधवार को कार्यालय में तालाबंदी कर दिया। इसके चलते कर्मचारी भी दूसरे तरफ दरी बिछाकर अपर मुख्य अधिकारी रमेश शाह के साथ अनशन पर बैठ गए। इधर सदस्यों के समर्थन अध्यक्ष सुधीर पासवान के आ जाने पर मामला गर्मा गया। बलिया से संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता। आप पुलिस बोला के हम लोग को पिटवा के बंद कर रहे हैं। ये काम कर सके आप? हम लोग काम करेंगे तभी तो प्रगति लाएंगे। जब तक प्रगति हुई और यहाँ के लोग हम लोगों को यहाँ निकाल रहे हैं। आप पाकिस्तान का मुख्य विधान कौन है? इसके लिए हंसते को पांच लोग बैठे हैं। पांच लोग एकदम यहाँ है। दूसरे की बात क्या कर रहे हैं? एकदम कह रहे हैं हम लोग के सामने जिला पंचायत के लोगों को आप तय कीजिए क्या करना है। नहीं कर आप बताइए क्या करना। मेरा लोग नहीं है। आप अध्यक्ष को बुला लीजिए। क्या करना है? आपको बुलाइए, बुलाकर कराइए। अध्यक्ष बुलाइए। स्थिति हमें क्या करो? ऐसे थोड़ी चलेगा। अध्यक्ष बुलाइए। आप बैठे रहेंगे, आप ऑफिस ऑफिस में आराम से सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। समस्या क्रिएट हुई है तो उसका निस्तारण होना चाहिए। प्रसाद, क्या आपने सितंबर में समय ले लिया था? अगस्त क्या आपने अगस्त में नहीं लिया था? नहीं, सुनिए ना, अरे सुन लीजिए। आपने अगस्त में नहीं लिया था? 30 अगस्त को लिया गया। हम लोग जिला जिला की बैठक का बहिष्कार का लेटर दिया था, उस समय आपने नहीं लिया था। इसके बाद हमारे पास टोटल लेटर है। मेरे हमारे पास जितना मैं लेटर दिया हूँ, समय लगा है साहब। ये टोटल बाकी हो तो एक जगह बता देंगे लिखित दीजिए मीडिया के सामने। शनिवार तक निकालने की बात कर रहे हैं तो आप लिखित दीजिए सारे लोगों को।
और ये भी बात है, दो बजे आपने एक विधायक फोन कर दिया उस पर आप सुनेंगे हाईकोर्ट के मुकदमा है, हाईकोर्ट के मुकदमा तो कहाँ कहा हाईकोर्ट की आप किसी को खाली कर दीजिए उनको। नहीं नहीं, जब हाईकोर्ट का मुकदमा है उस पर उस व्यक्ति ने किया है जो किया नहीं देखिए फिर वही बात, आप विभाग के विभाग का अध्यक्ष हैं, आपको पता नहीं जो भी किया है कहा है जो भी जो ये बताइए हाईकोर्ट ने रोका है, सर ये बताइए हाईकोर्ट ने रोका है अतः इसी चीज रखा है कि हाँ आप उसको मत की करिएगा तो हमको नहीं तो हमको दिखा दीजिए, नहीं देखिए इसको टालिए हम, देखिए इस बात को किसी सदस्य का अगर मामला आ जाएगा फरवरी के बाद टेंडर हम कह रहे हैं जिला पंचायत के सदस्य का टेंडर नहीं होगा, बाकी आपके चिन्हित दलाल टाइप के ठेकेदारों का टेंडर हो जाएगा उसके लिए आपके किसका हुआ है, किसका हुआ है आप तक पूछे किसका हुआ एक चाय शब्दों को आपको वापस लीजिए, चलिए मान लीजिए आप क्या दलाल नहीं है किसका हुआ ये शब्द वापस, चलिए मान लेते हम वापस लेते हैं, चलिए हम वापस दलाल नहीं है मान लेते जो भी टेंडर होता है, सुन लीजिए पहले जो भी टेंडर होता है पारदर्शिता से होता है, टेंडरिंग से होता है और बहुत ही ऑफिस चलेगा ऑफिस बंद और हम लोग बाहर चलिए, ये भी चलेगा बाहर सभी सदस्य बाहर का सब भाई आप ऑफिस बंद है बाहर संजय यादव सदर जिला पंचायत बलिया। जिस तरह से आप ये जिला पंचायत में आप लोग धरना दे रहे हैं उद्देश्य क्या है, आप लोगों की मांगे कि आप लोग क्या चाहते हैं? पिछले इसी 2017 में 2017 फरवरी में जिला पंचायत की बैठक हुई थी और उस बैठक में 18-19 का बजट का प्रस्ताव पास हुआ था और इस प्रस्ताव में जिला पंचायत के सारे मेंबरों का उनके क्षेत्र में जो निर्माण कार्य होते हैं उनसे प्रस्ताव मांगा गया था और प्रस्ताव लेने के बाद कार्ययोजना बनाने के बाद मई तक टेंडर हो जाना चाहिए 18-19 का, परंतु 18-19 का टेंडर अभी आज तक नहीं हो पाया है। फिर बीच में हम लोगों ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर पासवान से बात किया तो इन लोगों ने टाइम दिया कि हम अगस्त में टेंडर कर देंगे, अगस्त में टेंडर नहीं हुआ, फिर हम लोगों ने लिखित दिया कि यदि आप टेंडर नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर जिला पंचायत का एक परिवार है, लोगों ने बैठकर बात किया, मेंबरों ने बैठा, अध्यक्ष बैठे, अपर बैठे, लोगों ने कहा कि हम सितंबर में कर देंगे, सितंबर में भी टेंडर नहीं हुआ, अक्टूबर में टेंडर नहीं हुआ, नवंबर में टेंडर नहीं हुआ, अब यह दिसंबर का महीना चल रहा है और 18-19 का टेंडर यदि आज तक नहीं हुआ तो अब आगे जनवरी के बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी, लोकसभा का चुनाव होगा, हमारे 18-19 का टेंडर होगा ही नहीं, तो हम जिला पंचायत के सदस्य हैं, अपने क्षेत्र में जनता को कौन सा जवाब देंगे, हम तो जनता को जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं, जनता हमसे पूछती है भाई हमारी सड़क का क्या हुआ, हमारी नाली का क्या हुआ, हम लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं और आज तक टेंडर नहीं हुआ जिसके खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हैं। आप चाहते हैं क्या इसके लिए जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार हमारे अपर मुख्य अधिकारी हैं, अधिशासी अभियंता हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। जयशंकर यादव जिला पंचायत सदस्य बलिया।
ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसा क्या कारण आ गया कि आप लोग धरने पर ये जिला पंचायत में बैठे हुए हैं, क्या कारण हो गया ऐसा? अभी हमारे पूर्व में संजय यादव ने विस्तार से आपको बताने का काम किया है। ये सही बात है कि लगातार हम लोगों के प्रयास के बाद भी जब जिला पंचायत का प्रशासन हम लोगों की बातों को अनदेखी करता रहा, अंत में मजबूर होकर के हम लोग, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनाव होना है और आचार संहिता लगने वाली है। गांव के लोग पूछते हैं, हम लोगों ने जहां सड़कें दिया है, प्रस्ताव दिया है जिन गांवों में काम कराने के लिए, उस गांव के लोग एक साल से पूछते हैं कि काम कब लगेगा। तो सही बात है कि हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। अब हम लोगों के धैर्य का बांध टूटा है और उस परिस्थिति में जब लगातार जिला पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा यह बताया गया कि दो दिन में, चार दिन में, छः दिन में टेंडर कर दिया जाएगा, इस तरह से करते 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 छः महीना बीत गया, साल भर बीतने जा रहा है, अगला फरवरी आने वाला है और इस परिस्थिति में हम लोग सामने अब दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए हम लोग आज धरने पर बैठे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक टेंडर की कार्रवाई नहीं होगी, टेंडर नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग लगातार रोज धरने पर 10 बजे से 4 बजे तक बैठने का काम करेंगे। जिला पंचायत का अधिकारीगण टेंडर रोकने का क्या इसके पीछे आप देख सकते हैं कारण, क्या वजह हो सकती है? जो भी वजह हो, चाहे सरकार के दबाव में रोकते हों या अपने हिसाब से इसको चलाना चाहते हों, तो ये भी जो भी कारण हो, लेकिन हम लोग तो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए और जिला पंचायतों के सदस्यों के हित में और जनता ने जिताया है, तो हमारी भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी है, कुछ जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को निर्वहन के लिए हम अपने इस धरने पर बैठे हैं। दूसरे तरफ आपके अपर लगाइए कर्मचारियों के साथ प्रशांत भाई, ये दोनों स्थिति एक साथ दिख रही है, आखिर क्यों? हमारे पास मैंने आपसे कहा कि एक तरफ आप अपने सभासदों के साथ धरने पर और दूसरे तरफ अपर मुख्य अधिकारी धरने पर अपने कर्मचारियों के साथ, इस तरह की स्थिति आखिर क्यों? देखिए, बार बार जिला पंचायत का जो कार्य और टेंडर कराने की बात आ रही थी, उस पर हम लोग लगातार अपर मुख्य अधिकारी से मैं भी कई बार बात की और अल्टीमेटम केवल एक मिलता गया, महीने दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, ये सीमा से बाहर जाने लगा और अब तक किसी भी प्रकार के कोई भी उस पर अभी कुछ दिख नहीं रहा। इंजीनियर महोदय छुट्टी पे नहीं हैं, इसके बावजूद भी वो बिना छुट्टी गए, ऑफिस से गैर हाजिर हैं और टेंडर के कार्यों में अवरुद्ध बने हुए हैं। इसलिए हम लोगों ने जिला पंचायत अपने परिवार सदस्य लोगों के साथ यहाँ मैं भी धरने प्रदर्शन पर बैठा हूँ। कितने मूल्य का टेंडर होना है ये तो जब ऑफिस और अपर मुख्य आपके पास अधिकारी बैठाएंगे बताएंगे। आपके पास पैसा कितना है ये हम बात करके बता देंगे। आप चेयरमैन हैं, धरने पर बैठे हैं और आपको अभी तक ये संज्ञान में नहीं कि पैसे हमारे पास कितने हैं जिसका काम कराना है? जी पूरे इसी के लिए पैसे टेंडर के लिए पर्याप्त हैं, उसमें कहीं तो सर धनराशि कितनी है, कितनी धनराशि है और मतलब कौन सा कार्य कितने वर्क होने हैं, कितना कार्य होना है? 200 करोड़, 300 करोड़ कार्य योजना से ली गई है, सब बनाया जा रहा है, बन रहा है सामंजस्य के कारण। सर कितनी कार्य योजना बनाई गई है? कहा जाए कि मेन विषय सामंजस्य है, आप में और मुख्य अपर अधिकारी में सामंजस्य नहीं है। नहीं 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 उसमें नहीं, आपसे हम लोगों की बात नहीं है, उसमें कर्मचारी जिनको सहयोग करना चाहिए कामों में टेंडर निकालने के लिए, उसमें उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण सभी लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए। अब तक जिलाध्यक्ष, चेयरमैन और अपर मुख्य अधिकारी उनके विरुद्ध कैसी कार्रवाई की? जो कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति उदासीन है, जी जो कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति उदासीन है, उनके विरुद्ध आपने कौन सा एक्शन लिया? बिल्कुल, अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, इस पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। किस तरह कार्रवाई होगी? जिस तरीके से कार्य में, अगर सरकारी कार्यों में
अपनी बाधा जो डाल जिला पंचायत अध्यक्ष जिंदाबाद। उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोगों ने ही पूरे कार्यालय जिला पंचायत कार्यालय का तालाबंदी किए हैं। आपके सभासद भी आपसे नाराज दिख रहे थे, आपके भी मुर्देबाज के नारे लगा रहे थे। आप इसमें हम लोग सभी लोग एक साथ है, इसमें कोई किसी प्रकार की कहीं नहीं। लेकिन आपके सभासद भी आपके कार्यालय में।